आइए जानते हैं व्रत कथा। व्रत की कथा अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा करता था। मांस भक्षण और अन्य बुराइयों ने भी उसमें प्रवेश कर लिया था, जिससे राजा और उनके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रख राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपने ही नगर को लूटपाट कर लिया। इस दिन उसे चोरी करते समय सिपाहियों ने पकड़ लिया, परंतु राजा का पुत्र होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। फिर वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण बहुत ही बीमार पड़ गया, प्राणहीन सा हो गया। फिर अगले दिन उसे चेतना प्राप्त हुई। तब वह वन से फल लेकर लौटा और उसने पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रखते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो। तब उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्भक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और तब उसके पिता ने उसे राज्य प्रदान किया। उसे मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे बाद में राज्य सत्ता सौंप कर लुम्भक खुद विष्णु भगवान के भजन में लगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करने में सफल रहा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।